हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 26 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने महज एक दशक में जो सफलताएं अर्जित की हैं वो कई दशकों पुरानी पार्टियों के लिए सपना ही बना हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में हुए अन्ना आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। महज 10 सालों में पार्टी की मौजूदगी 4 राज्यों की विधानसभा में है, 2 राज्यों में सत्ता, 161 विधायक और 10 राज्यसभा सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस और भाजपा के अलावा एकमात्र पार्टी है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार है। हालांकि लोकसभा में पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में हुआ। पार्टी पहली बार वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी और 28 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद यहां पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर ही उसी के समर्थन से सरकार बना ली। हालांकि यह सरकार 49 दिन ही चली, लेकिन इसने पार्टी के सत्ता का रास्ता खोल दिया। पार्टी को पहली बार फरवरी 2013 में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला। पार्टी ने दूसरा चुनाव 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव कर लड़ा। इस बार उसने 70 में से 67 सीटें जीती और 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलाई। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी लुभावनी योजनाओं और शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए सरकार चलाने के बाद 2020 में पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई, तब 70 में से 62 सीटों पर जीत मिली। इस बीच 2017 में पंजाब में चुनाव लड़ी, लेकिन पार्टी सत्ता से दूर रही, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बनी। 2022 में पंजाब में 92 विधायकों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाई, फिर गोवा में चुनाव लड़कर 2 विधायक जीते। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जीते। दोस्तों, आम आदमी पार्टी भले ही इस समय मुख्य विपक्षी दल बनने की कोशिश में जुटी है, लेकिन लोकसभा में भी उसका एक भी सांसद नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को महज पंजाब की एक सीट पर जीत मिली थी। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और उपचुनाव में संगरूर सीट को पार्टी बरकरार नहीं रख सकी। राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में अभी प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं दूसरी ओर पार्टी को इस बात का भी मलाल होगा कि अपने सबसे बड़े गढ़ दिल्ली में भी अभी तक लोकसभा का एक भी सीट नहीं जीत पाई है। विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली पार्टी को दिल्ली में 2014-2019 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि 2014 में पार्टी के 4 सांसद पंजाब से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि कहां कितने विधायक और सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। विधायक हैं दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गोवा में 2 और गुजरात में 5। अब आते हैं हम सांसदों की तरफ। दोस्तों, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 0 सांसद है, यानी उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।